हे गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू हाइड नॉच। नॉच को कैसे हाइड करना है, कैसे छुपाना है। सो गाइस, वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेना है नीचे की ओर, और यहाँ पर आपको जाना है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस वाले ऑप्शन पर, इस पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ से आपको सबसे नीचे जाना है और यहाँ पर आपको जाना है मोर वाले ऑप्शन पर। मोर वाले ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ पर स्क्रीन डिस्प्ले पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको फ्रंट कैमरा डिस्प्ले बाई ऐप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आप किस किस एप्लीकेशन में नॉच को हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अभी हम क्रोम पर कर लेते हैं, तो क्रोम पर मैंने ऑलरेडी हाइड कर रखी है, हाइड फ्रंट कैमरा। वही दफ़े आपका यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पर रहता है तो ऐटो एडप्ट रहता है, और यहाँ से आपको इस पर क्लिक कर देना है, जैसे कि आपका जो है कैमरा नहीं दिखाई देता, नॉच हाइड हो जाती है ये वाली। और यहाँ से आपको फेसबुक पर क्लिक करना है और यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है। और जिस भी एप्लीकेशन में आप नॉच को हाइड करना चाहते हैं, जैसे कि फ़ोन पे पर कर लेते हैं, तो यहाँ पर इस पर क्लिक कर देते हैं। तो अब इन एप्लीकेशन में जो है हमारी नॉच हाइड हो चुकी है। जैसे कि यहाँ पर क्रोम पर दिखा देते हैं हम आपको, तो क्रोम को ओपन किया मैंने, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नॉच जो है वो हाइड हो चुकी है। इसी की तरीके से आपके जितने भी एप्लीकेशन में मैंने नॉच को हाइड किया, हाइड हो जाती है, इस तरीके से लाइन आ जाती है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।